हेलो फ्रेंड, आपका मेरे नेटिंग टिप्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपको ये पत्तियों वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। आप इस डिजाइन को किसी भी लेडी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में डालेंगे, बहुत ही सुंदर डिजाइन आप बनाना, बहुत आसान है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 16+16 फंदे रखेंगे, लास्ट में आपने 2 फंदे ज़्यादा रखने होंगे। चलिए अब बनाकर देखते हैं ये डिजाइन कैसे बनाया जाएगा। मैं आपको ये 2 पार्ट बनाकर दिखाऊंगी। जी मैंने 34 फंदे लिए। पहली सिलाई सीधी साइड, पहली सिलाई पहला फंदा इसे उतारना है, उतार लीजिए, बुनना है तो बुन लीजिए, एडजस्ट है। उसके बाद अब 9 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हमारे जो 9 फंदे सीधे बनाए, 2, 4, 6, 8, 9 धागा आगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे 1, 2, 3 तीन फंदे सीधे। अब 3 फंदों का ऐसे एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे ऐसे। इस फंदे को, जो फंदा हमें उतारा था, इसको हम ऐसे पलट देंगे। ये देखिए, जहाँ से हमारा जो 16 फंदों का डिजाइन था, 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। 9 फंदे हमें सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 3 फंदे सीधे, अब 3 फंदों का एक फंदा। ऐसे ही इन्हीं 16 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे सीधे, धागा आगे, ऐसे जाली बनाएंगे, धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 तीन फंदे सीधे। अब इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे 2 का एक बनाया है, उतारे हुए फंदों को ऐसे हम घिरा देंगे। ये देखिए 3 का एक हो गया, लास्ट फंदा सीधा। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब साइड, बैक साइड में 2 नंबर सिलाई बनाएंगे। इस बार हमारे सभी फंदे उल्टे बनेंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा बना देंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली सीधी साइड। अब हमारी 3 नंबर सिलाई बनेंगे। पहला फंदा उतारना है, उतार लीजिए, बुनना है तो बुन लीजिए। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस बार मैंने 10 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे लेके आएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे 1, 2, 2 फंदे सीधे। अब देखिए, इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे हमें जाली बनाई, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2 इन 3 फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से 2 फंदों का एक फंदा, उतारा हुआ फंदा है, इसे हम ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए, 3 का एक हो गया। आगे रिपीट करेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे, जाली बनाएंगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे जाली बनाएंगे,
एक, दो फंदे सीधे, इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहला फंदा इसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक उतारे हुए फंदे को ऐसे हम पलट देंगे। देखिए एक जहाँ से हमारा तीन का एक हो गया, अब लास्ट फंदा सीधा बैक साइड। अब चार नंबर सिलाई बनाएंगे, बैक साइड सभी फंदे उल्टे बुनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन देंगे। अब हमारी सीधी साइड पांचवी सिलाई, पांचवी सिलाई को ध्यान से देखिए, पहला फंदा सीधा, अब इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे से तीन फंदों का एक, ऐसे तीन का एक बनाया, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, तीन का एक बनाया, अब चार फंदे सीधे बनाए, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे बनाए, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। जहाँ से हमारा एक फंदा सीधा आ गया, अब इन तीन फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उतारे हुए फंदे को ऐसे हम बुने हुए फंदे से पलट देंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा तीन का एक हो गया, फिर से हमारे ये तीन फंदों का एक बनाएंगे, एक दो तीन, आगे से तीन फंदों का एक, ऐसे तीन का एक बनाया, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, ऐसे एक दो तीन फंदे सीधे, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बनाया। अब इन तीन फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा, उतारे हुए फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे। ये देखिए तीन का एक हो गया, लास्ट फंदा सीधा। पांचवी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, और बैक साइड छवीं सिलाई, छवीं सिलाई में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमारी छह सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड। अब हमारी सातवीं सिलाई बनेंगी, सातवीं सिलाई में पहला फंदा सीधा, अब इन तीन फंदों का एक फंदा, एक दो तीन, आगे से सिलाई डालेंगे, ऐसे तीन का एक, ऐसे तीन का एक बनाया, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ फंदे सीधे। ये देखिए जहाँ से हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, फिर से इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, ऐसे तीन का एक, एक दो
तीन फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे, इसे जाली डालेंगे, एक धागा आगे जाली डालेंगे, नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे सीधे। अब लास्ट फंदा है हमारा दसवां, इसको भी सीधा बना देंगे। सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड में आठवीं रो बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बना देंगे। जी देखिए आठ सिलाई हमारी कंप्लीट होगी सीधी साइड। अब हमारी नौवीं सिलाई बनेंगी। नौवीं सिलाई में पहला फंदा सीधा, इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन का एक, ऐसे तीन का एक बनाया, एक दो फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे, ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दस फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसे हमारे दस फंदे सीधे, जहाँ से हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। आगे रिपीट करेंगे, फिर इन तीन फंदों का एक, तीन का एक, एक दो फंदे सीधे, धागा आगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ऐसे जाली डालेंगे, दस फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लास्ट फंदा सीधा। ऐसे हमारी नौ सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक साइड दसवीं सिलाई बनेंगी। ऐसे हमारी दसवीं सिलाई को उल्टा बना देंगे। अब हमारी सीधी साइड ग्यारहवीं सिलाई, पहला फंदा सीधा, इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे से तीन फंदों का एक फंदा सीधा, ऐसे एक फंदा सीधा बनाया, धागा आगे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा और धागा आगे जाली बनाएंगे, ऐसे एक दो तीन चार फंदे सीधे, धागा आगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे जाली बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे। अब इन तीन फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उतारे हुए फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे। ये देखिए तीन का एक हो गया, जहाँ से हमारी ये देखिए ये वाला डिजाइन तो हमारा चल रहा है। अब हमारा ये वाला डिजाइन एक जहाँ से शुरू हो गया, ध्यान से देखिए, फिर एक दो तीन, आगे से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, तीन का एक, एक फंदा सीधा, धागा आगे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे जाली बनाएंगे, चार फंदे सीधे, एक दो
तीन, चार, चार फंदे सीधे और धागा बना आगे लेके आएंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली बनाएंगे, एक दो तीन फंदे सीधे। अब इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उतारे हुए फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे, ये तीन का एक हो गया, लास्ट फंदा सीधा। ये हमारी 11वीं रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड 12वीं रो, बारहवीं रो में सभी फंदे उल्टे बना देंगे, रो ऐसे उल्टी उल्टी बना देंगे। ये देखिए 12वीं रो कंप्लीट हो गई। सीधी साइड, सीधी साइड हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। इन्हीं 12 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना होगा, फिर से हमारी रो 1 बनेगी जैसे मैंने शुरू से बनाई थी वैसे। रेड साइड रो 1, पहला फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ एक नौ, ये हमारे 9 फंदे सीधे आ गए, धागा आगे, जाली बनाएंगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली बनाएंगे, एक दो सॉरी स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, सॉरी 10 फंदे हमारे जी सीधे आगे, धागा आगे, जाली बनाएंगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली बनाएंगे, एक दो फंदे सीधे। इन तीन फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा, उतारे हुए फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे। तीन का एक हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात, आठ नौ 10 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली बनाएंगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली बनाएंगे, एक दो फंदे सीधे। अब तीन फंदों का एक पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, आगे से दो फंदों का एक उतारे हुए फंदे को ऐसे हम गिरा देंगे। तीन का एक हो गया, लास्ट फंदा सीधा। ये देखिए फ्रेंड, फिर से हमारा डिजाइन रिपीट हो गया। इन्हीं सिलाइयों को दोहराएंगे, बनकर हमारा डिजाइन ऐसा दिखेगा। फ्रेंड, आपको वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नए नए डिजाइन देखने के लिए। फ्रेंड, आपका वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार परी सत श्री अकाल।